हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक और बात कह दूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात कहूँगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, जाओ अभी लाइक करो इस वीडियो को। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना मेरे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आज की ऑसम वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं, लेट्स गो। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर चेतुलाल जी। तो मिस्टर चेतुलाल जी से पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि वो जो अपना कीमती वक्त गवा के छोड़ के हमारे साथ जुड़ने आ रहे हैं, उनका बहुत धन्यवाद है। तो अब मैं चेतुलाल जी से कहना चाहूंगा कि वो हमें जरा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। हाँ तो हमारा नाम है चेतुलाल महाकाल माहेश्वरी मुंगेरी लाल पल्ला कचौड़ी महाकाल कालेश्वर। और एक बार आप हमें जिताइए तो हम गरीबों को और गरीब हमारा मतलब है और बहुत बहुत अमीर बना देंगे। अरे आपको तो जेब ही नहीं पता होगा कि एक बारी हमारी सरकार पूरे एक वोट से चुनाव जीत गई थी। अरे चैतू जी, ये सब तो चलता रहता है, आप ये बताइए आपकी सेहत कैसी चल रही है। हेलो, हाँ अरे उठा लिया है तो रख लो ना, अभी क्या वहाँ पे आके हिसाब करेंगे अभी। हाँ ठीक है चलो। हाँ हाँ हम तो एकदम चकाचक हैं, बस वो कभी कभी थोड़ा सा वो पेट गड़बड़ हो जाता है बस कभी कभी। अच्छा चेतू जी, एक अरे गाड़ी में रख लिया है तो अपने, तो क्या करोगे, गरबा खेलने जाओगे? अड्डे पे जाओ ना, अभी अड्डे पे रखो, अभी हम आते हैं, वो थोड़ी देर में अभी हिसाब करते हैं, रखो वहाँ। हाँ तो चेतू जी, हम ये कह रहे थे कि आपकी पार्टी, अरे अड्डे पे आ गए हो तो निकाल के बांध के डाल दो, अभी हम आते हैं थोड़ी देर में हिसाब करते हैं तुम्हारा। अरे चेतू जी, आपकी क्या बातें कर रहे हैं, उठा लिया गाड़ी में रख दो, हिसाब कर लेंगे, अड्डा बांध के रख दो, हिसाब करते हैं आगे, ये सब क्या है? अरे अरे रिपोर्टर साहब, जैसा आप समझ रहे वैसी बात नहीं है। नहीं नहीं, आप बताइए हमें ये क्या बात है। अरे हम अपने फैमिली सब्जी वाले से बात कर रहे थे कि अगर उसने सब्जियां ले ली हैं तो उन्हें गाड़ी में रख दे, उठा ली है मतलब सब्जियां तो उन्हें गाड़ी में रख दे, हम उसका आके हिसाब कर देंगे। अच्छा तो वो अड्डा और वो बांध के रख दो, वो सब क्या है? अरे वो तो हम अपने घर को अपना अड्डा कहते हैं, और हम उस सब्जी वाले से कह रहे थे कि वो सब्जियों को है ना एक पिन्नी में बांध के फ्रिज में रख दे, हम आगे उसका हिसाब कर देंगे। अरे रिपोर्टर साहब, आपने हमें गलत समझा है, अब हमें आपसे बात नहीं करनी, जाइए, अब हम नहीं बात कर रहे हैं आपसे, जाइए। अरे अरे जीतू जी, अरे अच्छा हुआ चली गई, फालतू का रहते ना यहाँ पे पका देते बुरी तरह। अरे अभी तक हम गए नहीं हैं। अरे अरे चेतू जी, हम तो कुछ नहीं कह रहे थे। हेलो रिपोर्टर साहब, आपको तो अगली बार देखेंगे, बाद में देखेंगे, चलिए। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपसे वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही जरूरी बात कहूंगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कराए तो कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना याद से। दोस्तों आपको क्या लगता है, वीडियो कम हो गई है? नहीं दोस्तों, वीडियो अभी बाकी है। हम हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं पप्पन भैया जी। हाँ तो पप्पन भैया जी, आप जरा हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ओके, हेलो एवरीबॉडी, आई पप्पन भैया जी, जरा हिंदी में बोलिए ना। ठीक है, तो हम जे कह रहे थे कि हमारा नाम है पप्पन भैया और हम खड़ी करते हैं लोगों की खटिया। हाँ तो पप्पन भैया जी, क्या आप हमारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं?
अरे हम तो आदमी को धोने के अलावा बाकी सारे कामों के लिए कभी रेडी होते ही नहीं है। चलिए फिर भी आप पूछिए, क्या पूछना है आपको? हाँ तो पप्पन भैया जी, अगर आपको भगवान ना करे कोरोना हो जाए तो आप का कोरोना हमको कोरोना कोरोना हमको अरे 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 पप्पन भैया जी कहाँ चले गए? अरे हाँ 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 यहाँ हाँ अरे क्या बात कर रहे हैं भैया, कोरोना और हमें? अरे सिस्टम निकाल के दिखाएंगे ना कोरोना को, इंडिया से भाग जाएगा ससुरा। वो तो कहा है ना, हम अभी हिंसा चाहत नहीं रहे हैं। अरे आपको हमारी बात पे हंसी आ रही है? अरे नहीं नहीं पप्पन भैया जी, आपके ऊपर कोई कैसे हंस सकता है? आके आप हैं पप्पन भैया जो करते हैं लोगों की खड़ी खटिया। आपके लिए दूसरा सवाल। जू 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 जू। हाँ तो मिस्टर पप्पन भैया जी, आपको क्या लगता है ये कोरोना इंडिया में और इस दुनिया में कब तक रहेगा? 1 साल, 2 साल या फिर और कुछ? अरे जब तक हमारी पिस्तौल हमारी जेब के अंदर है तब तक। वैसे तो हम इनसे चाहते नहीं है, इसीलिए जब तक इस कोरोना की वैक्सीन यानी कि इस कोरोना की दवाई नहीं बन जाती तब तक। हाँ तो मिस्टर पप्पन भैया जी, आपके ख्याल से वैक्सीन बनने में कितना टाइम लगेगा? अरे ये हमें क्या पता, लगे पड़े हमारे साइंटिस्ट, देखो बन जाएगी थोड़ी देर में। और वैसे भी हम तो और हमारे पिस्तौल तो जिंदा है ही ना, हमें कुछ हो सकता है ना हमारे परिवार को। पप्पन भैया जी सुनिए, अरे का है बे तुमको दिखाई नहीं देता, बात कर रहे हैं। पप्पन भैया जी आपके और आपके परिवार की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है। अरे चलो भाई साहब को लेके चलो हॉस्पिटल, चलिए साहब जी चलिए। नहीं नहीं हमको कोरोना नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं। अरे 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 पप्पन भैया जी, अरे पप्पन भैया है हम। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि हमें कोरोना यानी कि हमारे दुश्मन को कमजोर नहीं समझना है, और अगर आप कमजोर उसे समझ रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों हमें इस कोरोना को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ये हमारी सेहत के लिए और हमारे परिवार की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। और दोस्तों जो जरूरी बात मुझे आपसे करनी थी वो बात ये है कि आप सभी ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, अंधेरी रात के बाद उजाला ही उजाला होता है। दोस्तों ये कोरोना का अंधेरा भी छटेगा जल्दी ही और उजाला होगा। दोस्तों तब तक के लिए हमें बस क्या करना है, हमें रहना है अपने घरों में, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।